जय माँ सर्वेश्वरी, जय माँ पाटनेश्वरी, जय माँ मानिकेश्वरी, जय माँ रामचंडी। आज आम समस्त सौभाग्य आम समस्ते देशर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रे तीन मिनिट पर से शुभ मुहूर्त आसो आम समस्ते नुआ खाइबा नवार आज ग्रहण हम आज ये उपस्थित थिबा भारत सरकार मोर सहयोग मंत्री विशेश्वर चुडू महाशय लोकसभा सदस्य अमर नेता आदरणीय सुरेश पूजारी महाशय आदरणीय बसंत पंडा महाशय आदरणीय अपराजिता षडंगी महाशय आदरणीय संगीता कुमारी सिंह महाशय यहाँ उपस्थित दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह जी एआईसीटी के चेयरमैन प्रोफेसर सीतारामन जी हमारे नेशनल हाउसिंग बैंक के अध्यक्ष होता बाबू हमारे उड़ीसा की सभी गौरव हम लोगों की भारत की चीफ मेट्रोलॉजिस्ट आदरणीय मृत्युंजय बाबू हमारे पाट जोशी बाबू हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पूज्य गौड़िया मठ के संत समूह मिलन परिवार के सभी भाई और बहनों दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर तथा जोहार परिवार के सभी मित्र साथीगण और सभी उड़िया भाषा भाषी विशेष करके पश्चिम उड़ीसा से लगाव रखने वाले सभी भाइयों और बहनों युवा साथी सभी सज्जनगण आज हमारो मैं आप सभी को उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के नीचे आज हमने माँ समलेश्वरी का पूरा संपूर्ण देवी शक्ति का पूजा अर्चना किया। हम सभी की सौभाग्य है ये सौभाग्य से देवा देवी दर्शन होता है। सभी इतना बड़ा परिवार इकट्ठा हो गया मैं इसीलिए इसको लंबा करते जा रहा हूँ। 23 हो गया 2, 10, 24 में वो शुभ मुहूर्त आएगा। आपको सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा। सब मैं 2010 सीतारामन जी आप तो प्रोफेसर है मैं छोड़ूंगा नहीं 10-24 तक बोलते रहूंगा कि 2-24 हो गया। जय माँ समलेश्वरी की, जय माँ समलेश्वरी की, जय माँ रामचंडी की, जय जगन्नाथ। से शुभ मुहूर्त पहुंचती सभी मित्र लोग प्रसाद लेके जाएंगे नबार में लेके जाएंगे। आज योगेश जी आपकी और सीतारामन जी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं हमारी जो किसान भाई बहन है ये जो बारिश के बाद जो बारिश के समय की पहले जो खेती होती है हमारे उस खेती के उपरांत जो नई उपज आती है उस उपज के आज ही पहला अर्न लिया जाता है। पहले माँ को अभी दिया गया माँ को दे लगे नहीं भाई पहले दर्शन भोग लग गया अभी सभी लोग थोड़ा हम प्रसाद लेंगे अभी सबको पार्लियामेंट आज तो माँ का शक्ति प्रदर्शन पार्लियामेंट में होने वाला है। अभी संगीता देवी जी अपराजिता जी सभी लोग जाएंगे माँ समलेश्वरी का रूप लेके आज भारत में प्रधानमंत्री की नेतृत्व में नए इतिहास होने वाला है। इसलिए विलंब ना करते हुए सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।